कि आपने देखा पिछले सेशन में हमारा कॉल बैक मैसेज कॉल हो रहा है, बट उसकी इंटरनल डिटेल क्या है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, कैसे मान लीजिए कि मैं एक जीआई एप्लीकेशन यहाँ क्रिएट कर रहा हूं और आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा समझिएगा, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया, ये हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया, क्लास बनाया जिसका नाम रखा जीयूआई ऐप। इस क्लास में हमने एप्लीकेशन या ऐप कुछ भी नाम लिखिए, इस क्लास में हमने एक्सटेंड किया हुआ है फ्रेम से, और साथ ही साथ यहां पे इंप्लीमेंट करा दिया इंटरफेस से, इंप्लीमेंट करा दिया एक्शन लिस्टर इंटरफेस से, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहां पे जीवाई का सारा कोड लिखा जाएगा और पब्लिक वाइड, ये जो एक्शन परफॉर्म्ड मेथड है, इस एक्शन परफॉर्म्ड मेथड में उसके एक्शन इवेंट टाइप का पैरामीटर जाएगा, तो एक्शन इवेंट की टाइप का पैरामीटर जाता है। यहां पे आप लॉजिक लिख देते हो, अगर आपने कोई बटन बनाया हुआ है तो बटन पे आप एड एक्शन लिसनर चला के उसमें रजिस्ट्रेशन करा देते हो, आप दिस पास कर देते हो, ठीक है। आपका बटन मान लीजिए ये है, ओके कैंसिल कुछ भी, इससे आपने क्लिक करा, बटन पे क्लिक करते ही ये जो एक्शन परफॉर्म मेथड है ये कैसे कॉल होता है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा कि आपने देखा अभी पिछले सेशन में हमने पूरी जीयूआई एप्लीकेशन क्रिएट करी जिसमें हमने एक्शन लिस्टर से इंप्लीमेंट करके कॉल बैक मेथड ओवरराइड करा, सोर्स को आइडेंटिफाई करा, बटन पे क्लिक करा। जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ये एक्शन परफॉर्म मेथड चलता ही नहीं चलता है। एक्शन परफॉर्म मेथड है किस इंटरफेस में, एक्शन लिसनर इंटरफेस में, और मेरे क्लास में ये ओवरराइड करी गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपने बटन पे क्लिक करा था तभी मेथड चला था, पहले से चल गया था बटन की क्लिक पे, तो आखिर ये बटन ने हमारा ये मेथड कैसे चला लिया, बटन क्लास ने हमारे क्लास का एक्शन परफॉर्म मेथड कैसे कॉल कर लिया, बटन को कैसे पता चला कि एक्शन परफॉर्म यहां पर बनाया गया है, आखिर इसके अंदर बटन के अंदर कुछ ना कुछ कोडिंग होगी, तो बटन क्लास में ऐसी क्या कोडिंग है जिससे वो हमारे क्लास का ये कॉल बैक मेथड कॉल कर पाता है, कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा उसके अंदर। यहां पे पूरी स्टैटिक बाइंडिंग चल रही है इंटरनली, स्टैटिक बाइंडिंग। आप देखो बटन के पास आप अपना क्लास का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो ना, सपोज करो मेरे क्लास का कोई मेथड है और ये आप अपने क्लास में कॉल करना चाहते हो, तो मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा ना। तो बटन ने बटन की क्लिक पे हमारा मेथड कैसे चलाया, क्योंकि बटन के पास हमारे क्लास का रेफरेंस जा रहा है, देखो ये बटन है ना, अब ये रेफरेंस वो होल्ड करके रखता होगा और यहां उस पर्टिकुलर इस मेथड के अंदर इस मेथड को कॉल करने का कोड लिखा गया होगा, वो कोड कैसे कैसे है। अच्छा ये चीज आप बटन के माध्यम से समझ रहे हो, अगर ये बटन के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है तो इट मीन्स ये जावा के हर इवेंट में होता होगा, चाहे वो बटन पे इवेंट हो रहा हो, चाहे वो माउस इवेंट हो रहा है, चाहे वो की इवेंट हो रहा है, किसी भी इवेंट के लिए ये चीजें इंटरनली तो होती ही होती होंगी। तो चलिए जरा इसको हम समझते हैं कि आखिर एक बटन के क्लिक पे इवेंट कैसे कैसे होता है और क्या उसका इंटरनल प्रोसेस होता है, इंटरनल प्रोसेस एक बटन के क्लिक पे इवेंट हैंडलिंग कैसे कैसे हो रही है। देखिए तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर है हमारा कि आखिर बटन ने हमारा मेथड कैसे चलाया, तो इसके लिए हमें तो हम ये क्या समझ रहे हैं, हाउ इवेंट्स डन इंटरनली, हाउ इवेंट्स ऑकर्ड इंटरनली, ठीक है ना, इसका कंसेप्ट पूरा हम समझने जा रहे हैं। इसके लिए हमें उन क्लासेस का इंटरनल आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। देखिए ये हमारा एक इंटरफेस है जिस इंटरफेस का नाम है एक्शन लिसनर, ये एक्शन लिसनर हमारा एक इंटरफेस है
और एक्सेल लिसनर इंटरफेस के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म्ड। तो पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, एक्शन परफॉर्म मेथड में किस टाइप का पैरामीटर जाता है? एक्शन इवेंट टाइप का जाता है। तो एक्शन इवेंट ई टाइप का पैरामीटर जाता है। ये इंटरफेस है जो इंटरनली बनी हुई है। और उसके बाद एक क्लास बनी होगी कोई एक्शन इवेंट नाम की। तो ये क्लास है जिसका नाम है एक्शन इवेंट। ये एक क्लास है, ये इंटरनल प्रोसेस मैं बता रहा हूं कि इंटरनली इवेंट कैसे कैसे हो रहा है। एक्शन इवेंट क्लास, ठीक है। फिर चूंकि जीवाई एप्लीकेशन में आप फ्रेम बना रहे हो, बटन बना रहे हो, तो आपकी भी कोई क्लास हो सकती है। मान लीजिए हमारी क्लास है जिसका नाम है जीवाई एप, जो हमने अपनी क्लास क्रिएट करी थी, ये हमारी क्लास है। और इस क्लास में हम कैसे चीजों को यूज कर रहे हैं, इसमें हम कोई एक बटन बना रहे हैं और उस बटन पे चलिए मैं पूरा प्रोग्राम ही बना देता हूं आपके लिए। यहां पे एक बटन मैं डिक्लेयर कर लेता हूं क्लास लेवल पे, बटन बी। फिर एक फ्रेम डिक्लेयर कर लेता हूं, यहां से दो बटन बना देता हूं, B1, B2, ठीक है। दो बटन हमारे डिक्लेयर कर लिए गए, एक फ्रेम डिक्लेयर कर लिया गया। फिर यहां पे GUI एप क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया गया और यहां F इज इक्वल्स टू न्यू फ्रेम क्रिएट कर दिया गया। फ्रेम हमारा बन गया, फ्रेम के ऊपर उसकी विजिबिलिटी सेट कर दी गई, सेट विजिबल ट्रू कर दिया गया और फ्रेम का साइज सेट कर दिया गया। साइज हमने यहां पे 200 और 200 दे दिया। फिर इसके बाद बटन B1 इज इक्वल्स टू न्यू बटन हमने क्रिएट कर दिया और इस बटन में सपोज करो मैंने लिख दिया ओके और फिर B1 और B2 करके यहां पे दो बटन बना लेते हैं। तो न्यू यहां से बटन ले लिया और इस बटन का नाम दे दिया हमने कैंसल, ये बटन हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या करना होता है, बटन को फ्रेम का लेआउट सेट करना होगा, एफ डॉट सेट लेआउट और यहां पे हम न्यू फ्लो लेआउट पास कर देंगे। और उसके बाद ये जो फ्रेम है इस पे ऐड कर देंगे हम बटन को। तो मान लीजिए कि हमने इस पे ऐड बटन 1 और फिर एफ डॉट एड यहां पे बटन 2, हमने दो बटन ऐड कर दिए। ये हमारा फ्रेम मतलब रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा मेन मेथड यहां क्रिएट नहीं हुआ है। और ये जो जीवाई एप नाम की क्लास है ये किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो क्या मैं यहां पे इसे इम्प्लीमेंट करा सकता हूं? इम्प्लीमेंट करा सकता हूं एक्शन लिसनर नाम का जो इंटरफेस है जो यहां बनाया गया है इसको इम्प्लीमेंट करा देता हूं। जब एक्शन लिसनर इंटरफेस यहां पे इम्प्लीमेंट होगा तो कॉल बैक मेथड यहां ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इसका कॉल बैक मेथड जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म्ड, यहां पे मैं बना देता हूं पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड और इसके अंदर पैरामीटर किस टाइप का जाता है, एक्शन इवेंट वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है इस टाइप का जाता है, ठीक है। फिर बाकी मेन मेथड की कहानी होगी। ये हमारा एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, ये हमारी खुद की क्लास है। ये सारी चीजें समझ आ रही है, दिख रहा है सब कुछ इसमें, ठीक है, गुड। अब एक यहां पे मैं अलग से क्लास और बना लेता हूं जिसका नाम है बटन, बटन क्लास, ये भी मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा, ये एप्लीकेशन आपका रेडी है, ऐप आपका कुछ इस तरह से रेडी है कि यहां पे मैं यहां बना देता हूं
ऐसे आपका ऐप रेडी है जिसमें बस आपका दो बटन, एक ओके के नाम पे और एक कैंसिल के नाम पे फ्रेम यहां पे हमारा बन के आ जाएगा। समझ में आ रहा है?